subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. YouTube channel Winastek में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने हाजिर हो चुका हूँ एक नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अगर आप HVAC का काम सीख रहे हैं या एज HVAC टेक्नीशियन काम कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको जो HVAC का जो PCB कार्ड रहता है इसके फंक्शन क्या होते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स हम देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे PCB कार्ड पे लेके आ गया हूँ, और यहाँ पे आपको ये PCB कार्ड कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये PCB कार्ड है, इसमें कुछ LED भी लगी हुई है और ये कुछ टर्मिनल भी लगे हुए हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और ये रिले लगा हुआ है ये आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ये भी एक लो वोल्टेज का टर्मिनल ब्लॉक है, LVTB जिसको हम बोलते हैं, लो वोल्टेज का टर्मिनल ब्लॉक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से मैं आपको इसके फंक्शन में बता देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिर्फ फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ तो इसकी फंक्शन में आपको बता देता हूँ। तो फंक्शन के लिए आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका LVTV का ये टर्मिनल ब्लॉक है यहाँ पे आपको डिजिटल थर्मोस्टेट से पावर आता है, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि RC GY1 Y2 W1 W2 ये कुछ इस तरीके का पावर आता है। जैसे कि मैं आपको एक बार और आपको जो है डिजिटल थर्मोस्टेट का यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे इसको प्रेस करके ऐसे बैटरी निकाल लेनी है इसकी, और ये मैं इसको ओपन करके ही रखा हुआ था ताकि आपको जल्दी से जल्दी दिखा सकूँ। तो जो मैंने आपको यहाँ पे पावर दिखाया था यहाँ पे देख पा रहे होंगे RC Y G सब यहाँ पे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये जो दोनों पावर है यहाँ से जो पावर आएगा इसमें लग जाएंगे, क्योंकि ऑपरेट जो हमारा होता है वो आपको डिजिटल थर्मोस्टेट से ऑपरेट होता है, क्योंकि जैसे टेम्परेचर आएगा तो ये डिजिटल थर्मोस्टेट ही इसको ऑपरेट करके कट ऑफ कराएगा। तो ये जो पावर जो आपने देखा है यहाँ पे इसका पावर यहाँ से यहाँ पे आके लगता है, ऐसे करके ये वायर एक में लग जाएंगे। अगली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका वायरिंग भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको फंक्शन में बता देता हूँ। तो फंक्शन में कुछ इस तरीके के आपको सामने देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि ये लाइव का पॉइंट है और ये न्यूट्रल का पॉइंट है। जैसे यहाँ पे 220 का जो है वोल्टेज देंगे तो हमारा जो है उसके बाद से हमको यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर का देना पड़ेगा, या प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रांसफार्मर का जो वायर रहता है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्राइमरी जो है ट्रांसफार्मर का वायर यहाँ पे लगेगा और सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर का यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा SEC सेकेंडरी, और ये है आपको प्राइमरी। तो यहाँ पे आपको ट्रांसफार्मर लग जाएगा। तो जैसे ये वोल्टेज आएगा यहाँ पे आपको फ्यूज लग जाएगा, जैसे ये वोल्टेज पावर आता है तो आपका जो PCB बोर्ड है यहाँ से कुछ पावर जो है आउट करते हैं, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखने को मिल जाएगा Compressor 1 और Compressor 2। तो ये जो Compressor 1 और Compressor 2 का जो आप पावर देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ से आपको Compressor 1 के कॉन्ट्रेक्टर के लिए, अगर दो कंप्रेसर आपके जो यूनिट में यूज हो रहे हैं तो दूसरा वायर यहाँ से हम ले सकते हैं जो Compressor 2 के कॉन्ट्रेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 220 का पावर जो है आउट होता है, और उसके बाद से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनडोर फैन जो आपका ब्लोअर मोटर रहता है आपके HU में, तो ये आपका HU में जो भी आपका लगा हुआ है तो इसमें आपका इंडोर फैन का यहाँ से पावर आउट होके जाएगा तो ही आपका ऑपरेट करेगा उसके बाद से। और उसके बाद से आपको यहाँ पे हीटर देखने को मिल जाएगा, अगर आपका जो सिस्टम है हीटिंग सिस्टम है तो हीटर यूज कर सकते हैं, नहीं तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं इसको। और उसके बाद से आपको यहाँ पे आउटडोर फैन देखने को मिल जाएगा, तो आउटडोर फैन में भी आप देख पा रहे होंगे Outdoor Fan 1 और आउटडोर फैन यहाँ पे 2 देखने को मिल जाएगा। अगर दो कंडेंसर फैन लगा हुआ है आउटडोर का तो इसमें यहाँ से आपको पावर दे देना पड़ेगा आपके कॉन्ट्रेक्टर के लिए। इसकी वायरिंग मैं आपको बताऊंगा, तो फिलहाल मैं आपको फंक्शन बता दे रहा हूँ। और उसके वास्ते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होंगे कि इसमें कुछ LED बल्ब लगे हुए हैं, ये System 1 लिखा हुआ है, ये System 2 लिखा हुआ है, ये
लॉक वन और ये लॉक टू। तो इसका फंक्शन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका फंक्शन जो है, जैसे ही आपके जो है सिस्टम में कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तो आपका जो है सिस्टम जो है, अगर मान लीजिए सिस्टम वन में अगर प्रॉब्लम है तो सिस्टम वन का जो है यहाँ पे ये जो आपको एलईडी लगा हुआ है एलईडी ऑन हो जाएगा, यानी रेड कलर का जलने लगेगा और ये आपका सिस्टम जो है लॉकआउट मोड में चला जाएगा। और इसका फंक्शन ये आपको देखने को मिल जाएगा जो एलओ का जो यहाँ पे एलईडी लगा हुआ है, तो एलओ एलईडी का जो है ये इंडिकेट, ये एक तरीके का इंडिकेटर है। और ये क्या चीज को इंडिकेट करता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले यहां पे आप ध्यान से देखिए, इसको एलो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो ये क्या चीज को इंडिकेट करता है, तो जैसे ही आपके सिस्टम में जो लो प्रेशर पे अगर आपका सिस्टम लॉकआउट रहेगा या हाई प्रेशर पे सिस्टम लॉकआउट रहेगा तो ये एलईडी जो है, ये सिस्टम वन की जो एलईडी है जो ये बिलिंग करने लगेगी। और ये कैसे बिलिंग करेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि अगर आपका सिस्टम जो है लो प्रेशर यानी कि रेफ्रिजरेंट कम होने की वजह से आपका सिस्टम जो लॉकआउट पे गया है, तो ये जो येलो कलर का जो है आप एलईडी देखने को मिल जाएगा आपको, ये स्लो बिलिंग करेगा, एकदम फास्ट फास्ट बिलिंग नहीं करेगा, एकदम स्लो 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 बिलिंग करेगा। और इसी तरीके से अगर आपका सिस्टम जो एचपी मोड में अगर हाई प्रेशर की वजह से यानी आपका कंडेंसर फैन खराब हो गया या आपका किसी भी वजह से आपका कंडेंसर डर्टी है या फिर किसी भी वजह से आपका सिस्टम जो हाई प्रेशर पे यानी ओवरचार्ज फ्यून पे भी अगर रहेगा तो भी हाई प्रेशर पे आपका सिस्टम अगर लॉकआउट पे चला जाता है, तो ये जो येलो कलर का जो है इंडिकेटर लगा हुआ है आपको ये फास्ट ब्लिंकिंग करने लगेगा कुछ इस तरीके से, देख पा रहे होंगे मेरे फिंगर्स, तो ये कुछ इस तरीके से आपको ब्लिंकिंग करने लगेगा। इसी तरीके से सेम टू सेम जो लॉक टू और सिस्टम टू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लॉक टू और सिस्टम टू में होता क्या है, अगर आपके सिस्टम में दूसरा सर्किट लगा हुआ है यानी दो कंप्रेसर लगे हुए हैं तो ये लॉक टू पे काम करेगा। तो जैसे ही किसी भी वजह से आपका दूसरा सिस्टम लॉकआउट होगा तो ये वाली जो लॉक टू वाली का जो रेड वाली जो एलईडी है वो ऑन हो जाएगी और आपका सिस्टम लॉकआउट हो जाएगा। तो अगर किसी एचपी और एलपी पे हो रहा है तो ये वाला जो सिस्टम टू का जो एलईडी है ये वाला ब्लिंकिंग करने लगेगा। अगर लो प्रेशर पे हो रहा है तो जैसा कि मैंने इस सिस्टम वन के लिए बताया, तो लो प्रेशर पे हो रहा है तो सिस्टम टू में भी जो आपका ब्लिंकिंग करने लगेगा जो येलो कलर का जो इंडिकेटर लगा हुआ है एलईडी इंडिकेटर, तो आपको स्लो ब्लिंक करेगा कुछ इस तरीके से, स्लो ब्लिंक करेगा। अगर एचपी पे आपका सिस्टम लॉकआउट हुआ है तो आपका जो है हाई ब्लिंकिंग करने लगेगा यानी फास्ट ब्लिंकिंग करने लगेगा जो आपका येलो इंडिकेटर लगा हुआ है। तो ये जो चारों इंडिकेटर आपने देखा तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। और भी कोई प्रॉब्लम होगा तो ये इंडिकेटर जो है ब्लिंक नहीं करेगा, सिर्फ एचपी और एलपी स्विच के लिए ही है ये इंडिकेटर लगा हुआ है ताकि आपको पता चल सके। क्योंकि ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो आपका जो भी आपका पीसीबी बोर्ड है, ये आपका पीसीबी बोर्ड मैनुअल है, इसमें आपको माइक्रो प्रोसेसर नहीं है ताकि आपको सब कुछ बताए क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए सिर्फ ये दो एलईडी यूज किया गया है जिसकी वजह से एटलीस्ट आपको अगर आपके सिस्टम में लेस फ्रियोन है या फिर मोर फ्रियोन है तो आपको ये पता चल सके, और एचपीएलपी पे अगर आपका सिस्टम लॉकआउट हुआ है तो भी पता चल सके। तो ये जो आपका जो आपने देखा है अभी अभी जो पीसीबी कार्ड, जो ये पीसीबी कार्ड का कुछ इस तरीके से फंक्शन होता है और ये कुछ इस तरीके से काम करता है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी फुल वायरिंग बताने वाला हूँ विथ जो डिजिटल थर्मोस्टेट है, इसका जो फुल कंप्लीट वायरिंग आपको बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।